जरूरी सूचना, आज के वीडियो में हमने दोनों टीमों की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में बात करी है, मतलब कि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। थैंक यू। आईपीएल 2021 का पांचवा मुकाबला खेला जाने वाला है कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2021 के पांचवे मुकाबले के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो चलिए दोस्तों, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। तो केकेआर ने आईपीएल 2021 की शुरुआत जीत के साथ करी है। केकेआर ने अपने पहले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को 10 रनों से हराया है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं केकेआर मुंबई के खिलाफ किस प्लेइंग 11 के साथ उतर सकती है। तो केकेआर के लिए ओपनिंग करने वाले हैं शुभमन गिल और नीतीश राणा। केकेआर ने अपने पहले मुकाबले में गिल और राणा से ओपनिंग करवाई है और पहले मुकाबले में इन दोनों की जोड़ी ने पावर प्ले में काफ़ी शानदार रन बनाए थे, जिसमें खासकर नीतीश राणा ने ओपनिंग करते हुए काफ़ी शानदार 80 रनों की पारी खेली थी। और केकेआर के पहले मुकाबले में नीतीश राणा मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। तो मुंबई के खिलाफ भी केकेआर के ओपनर रहने वाले हैं शुभमन गिल और नीतीश राणा। केकेआर के लिए नंबर 3 पर आएंगे राहुल त्रिपाठी। त्रिपाठी ने भी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ काफ़ी बढ़िया 50 जमाई थी। तो केकेआर मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी राहुल त्रिपाठी को नंबर 3 पर भेजना चाहेगी। केकेआर के लिए नंबर 4 पर होंगे केकेआर के कप्तान ओइन मॉर्गन। केकेआर के लिए नंबर 5 पर होंगे आंद्रे रसल। हैदराबाद के खिलाफ रसल बल्ले से तो कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन रसल ने डेथ ओवर में आकर काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी करी थी। केकेआर के लिए नंबर 6 पर होंगे दिनेश कार्तिक। हैदराबाद के खिलाफ केकेआर को अच्छी शुरुआत तो नीतीश राणा ने दिलाई थी, लेकिन केकेआर को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में दिनेश कार्तिक का बहुत बड़ा हाथ था। केकेआर के लिए नंबर 7 पर होंगे शाकिब अल हसन। केकेआर ने पहले मुकाबले में नारायण की जगह पर शाकिब को खिलाया था और शाकिब ने पहले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी करी है। तो मुंबई के खिलाफ भी हमें शाकिब अल हसन खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। केकेआर के लिए नंबर 8 पर होंगे पैट कमिंस। तो एसआरएच के खिलाफ सबसे बढ़िया गेंदबाजी रही थी पैट कमिंस की। कमिंस ने सिर्फ 4 ओवरों में 30 रन दिए थे और सेट बल्लेबाज जॉनी बेरस्टो का विकेट भी चटकाया था। केकेआर के लिए नंबर 9 पर होंगे हरभजन सिंह। भज्जी को केकेआर के पहले मुकाबले में ही डेब्यू करने का मौका मिला था, जिसमें भज्जी ने सिर्फ एक ही ओवर डाला था, लेकिन काफी किफायती ओवर डाला था। केकेआर के लिए नंबर 10 पर होंगे प्रसिद्ध कृष्णा। कृष्णा भी पहले मुकाबले में काफी बढ़िया लय में नजर आए थे। कृष्णा ने पहले मुकाबले में डेविड वार्नर और मोहम्मद नबी की विकेट चटकाई थी। केकेआर के लिए नंबर 11 पर होंगे वरुण चक्रवर्ती। चक्रवर्ती के लिए पहला मुकाबला इतना खास नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वो केकेआर की प्लेइंग 11 में जरूर होंगे, क्योंकि चक्रवर्ती ने पिछले साल साबित किया था कि वो काफी बढ़िया स्पिन गेंदबाज है। तो दोस्तों, आईपीएल 2021 के पांचवें मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ कुछ इस प्रकार हो सकती है केकेआर की प्लेइंग 11। शुभमन गिल, नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी, कप्तान ओइन मॉर्गन, आंद्रे रसल, विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक, शाकिब अल हसन, पैट कमिंस, हरभजन सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और वरुण चक्रवर्ती। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। तो मुंबई इंडियंस हर साल की तरह इस साल भी अपना पहला मुकाबला हार चुकी है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मुंबई इंडियंस केकेआर के खिलाफ किस प्लेइंग 11 के साथ उतरती है। तो मुंबई के लिए ओपनिंग करने वाले हैं कप्तान रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक। क्विंटन डिकॉक क्वारंटीन की वजह से पहला मुकाबला नहीं खेल पाए थे और मुंबई ने डिकॉक की जगह पर पहले मुकाबले में क्रिस लिन को मौका दिया था, लेकिन अब डिकॉक का क्वारंटीन खत्म हो चुका है और डिकॉक ने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। तो केकेआर के खिलाफ मुंबई इंडियंस के ओपनर रहने वाले हैं रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक। मुंबई के लिए नंबर 3 पर होंगे सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव आरसीबी के खिलाफ काफी बढ़िया लय में नजर आए थे। मुंबई के लिए नंबर 4 पर होंगे ईशान किशन। ईशान किशन ने पहले मुकाबले में विकेट कीपिंग करी थी, लेकिन केकेआर के खिलाफ क्विंटन डिकॉक विकेट कीपिंग संभालेंगे। मुंबई के लिए नंबर 5 पर होंगे हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या इस बार के आईपीएल में भी गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, जो कि मुंबई के लिए बहुत बड़ा झटका है। मुंबई के लिए नंबर 6 पर होंगे काफी खतरनाक खिलाड़ी कायरन पोलार्ड। नंबर 7 पर होंगे कृणाल पांड्या। कृणाल पांड्या ने आरसीबी के खिलाफ काफी किफायती गेंदबाजी करी थी। मुंबई के लिए नंबर 8 पर होंगे मार्को जेनसन। मुंबई इंडियंस ने इस खिलाड़ी को पहले मुकाबले में ही आईपीएल डेब्यू करने का मौका दिया था और जेनसन ने मौके पर चौका मार दिया है। जेनसन ने अपने पहले मुकाबले में 4 ओवर में सिर्फ 28 रन देकर 2 विकेट लिए थे, जिसमें से एक विकेट था ग्लेन मैक्सवेल का। मुंबई के लिए नंबर 9 पर होंगे राहुल चहर। राहुल चहर को आरसीबी के खिलाफ बहुत ज्यादा मार पड़ी है, तो मुंबई केकेआर के खिलाफ राहुल चहर की जगह पर पीयूष चावला या फिर जयंत यादव को भी मौका दे सकती है। मुंबई के लिए नंबर 10 पर होंगे यॉर्कर स्पेशलिस्ट जसप्रीत बुमराह।
बुमराह ने पहले मैच में हर बार की तरह इस बार भी काफी बढ़िया गेंदबाजी करी थी। मुंबई के लिए नंबर 11 पर होंगे ट्रेंट बोल्ट। बोल्ट आरसीबी के खिलाफ थोड़े से महंगे साबित रहे थे, लेकिन हम सब जानते हैं बोल्ट अपनी गेंदबाजी से कभी भी गेम को पलट सकते हैं। तो दोस्तों आईपीएल 2021 के पांचवें मुकाबले में केकेआर के खिलाफ कुछ इस प्रकार हो सकती है मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11। कप्तान रोहित शर्मा, विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, कायरन पोलार्ड, कृणाल पांड्या, मार्को जेनसन, राहुल चाहर, जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट। तो दोस्तों आईपीएल 2021 के पांचवें मुकाबले में कुछ इस प्रकार हो सकती है कोलकाता और मुंबई की प्लेइंग 11। और ये दोनों टीमों ने अपना पहला मुकाबला चेन्नई में खेला है, जहां पर केकेआर अपना पहला मुकाबला जीती है तो वहीं मुंबई अपना पहला मुकाबला हारी है और ये मुकाबला भी चेन्नई में खेला जाने वाला है। तो दोस्तों आपके मुताबिक आईपीएल 2021 का पांचवा मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, कोलकाता नाइट राइडर्स या फिर मुंबई इंडियंस, ये कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों आज की हमारी मुद्दे की बात यहाँ पर समाप्त हुई।